चाह को पूरा कर सकते हैं, तो ये बहुत रैम्पेंट हो गया, जगह जगह ये काम होने लगा। और 1990s में ये इतना ज्यादा हो गया था कि 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एक्ट बनाना पड़ा और उस एक्ट में ये प्रोवाइड करना पड़ा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में जो शिशु है उसके सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए नहीं हो सकता, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल घोषित कर दिया गया। आपकी टीम यहाँ सब मौजूद है सर, कोई